हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी, स्ट्रॉन्गर बेस टू स्ट्रॉन्गर फ्यूचर। आइए आज हम करेंगे अपने हायर एजुकेशन का जो पेपर वन है, यूनिट 10। ठीक है, इससे पहले हमने कल क्या किया था, कल वाली वीडियोस में हमने क्या किया था, पहले हमने किए थे हायर एजुकेशन को जो इंस्टीट्यूशंस हैं, किस तरह की एजेज रही हैं, जैसे कि पहला था अपना वैदिक एज और बुद्धिस्ट। ठीक है, तो इनमें हमने प्रॉपर तरीके से पढ़ा था और अच्छी अच्छी ट्रिक्स के साथ पढ़ा था कि कैसे आप लोग इनको याद कर सकते हो। ठीक है, तो हमने उसके बाद ये सारा अपना देखा था, नॉलेज वगैरह किस तरह की थी, कितने पार्ट्स में उसको डिवाइड किया हुआ था। ठीक है, ब्रह्म संघ क्या होता है, या उपनन्या क्या है, या फॉर्मल सेरेमनी किस किस तरह की है, वैदिक एज में कौन सी फॉर्मल सेरेमनी होती थी, कितनी एज में होती थी, और अपनी जो है बुद्धिस्ट एज में जो है फॉर्मल सेरेमनी वो किस एज में होती थी और उसको क्या कहा जाता था। ठीक है, वुमेन्स के लिए क्या एजुकेशन थी, वो सब कुछ था। तो आज हम जो करने वाले हैं वो है अपना बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशन, जो हमने कल बात करी थी कि बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशन में हम लोगों ने पढ़ लिया था ना, जैसे टीचर्स पढ़ा था, नॉलेज पढ़ा था, उसके बाद फिर इंस्टीट्यूशंस पढ़े थे ये वाले सारे। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से थे, इस तरह के थे। अब जो लेकिन बुद्धिस्ट एजुकेशन में या बुद्धिस्ट पीरियड में जो इंस्टीट्यूशंस जो मेन थे, हमने यहाँ बात करी थी तक्षशिला की और नालंदा यूनिवर्सिटी की। तो ये दो ऐसे यूनिवर्सिटीज़ थी जो बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एग्जाम पर्पज़ के लिए, और आपको एक्चुअली बेसिक नॉलेज भी इस चीज़ की होनी चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इंडिया से बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो ये इंडिया को रिप्रेजेंट भी करती हैं और इसके बारे में नॉलेज होनी भी ज़रूरी है, और इधर से क्वेश्चन बनता भी है, चाहे वो नालंदा यूनिवर्सिटी हो चाहे वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी हो। ठीक है, चलिए तो बिना किसी देरी के पर शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए तक्षशिला यूनिवर्सिटी, देखो तक्षशिला, सबसे पहली बात हम तक्षशिला को याद कैसे करेंगे, सबसे बेसिक चीज तक्षशिला को हम लोग याद करेंगे शीला से। ठीक है, शीला एक लड़की थी। ठीक है, शीला एक लड़की थी, या शीला उस यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। ठीक है, एक यूनिवर्सिटी में पढ़ती तक्षशिला। ठीक है, जहाँ पे बेसिक ट्रिक बनेगी वहाँ मैं आपको बताऊँगा, शीला से ही हम लोगों को याद करना है। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं अपने है क्या इसमें चीज़। देखिए तक्षशिला जो है वो सबसे पहली बात कि वर्ल्ड की फर्स्ट यूनिवर्सिटी है और सबसे लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी थी, मतलब वर्ल्ड की फर्स्ट यूनिवर्सिटी जो है वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी ही है, सबसे पहली यूनिवर्सिटी तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी। देखो मैं फिर से आपको कहता हूँ कि मैंने जो पॉइंट्स बनाए हुए हैं ना सारे, ये पॉइंट्स ही आप लोगों को याद करने हैं, इसके अलावा कुछ और आप पढ़ोगे वो बस बीच में हेल्पिंग वर्ड्स लग रहे हैं या फिर कुछ और हैं, वो मैंने हटा दिए वो चीज़ें वहाँ से। तो नॉर्मल आपके सामने मैं पॉइंट्स लेके आया हूँ, इसी एक पेज पे अपनी पूरी यूनिवर्सिटी ये हो जाएगी, आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने कल भी ये चीज़ बोली थी, आज भी मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें बेसिक जो चीज़ें हैं वही याद करनी है, क्योंकि एक हायर एजुकेशन हो गया और एक इंडियन लॉजिक हो गया, इन दो सब्जेक्ट्स में से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के ही आते हैं। ठीक है, तो आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस नॉर्मल इनमें से पढ़ना है। ठीक है, तो वर्ल्ड की फर्स्ट यूनिवर्सिटी कौन सी, अपनी तक्षशिला यूनिवर्सिटी है। ठीक है, स्टैब्लिश कभी हुई थी ये 5th सेंचुरी में स्टैब्लिश हुई थी। ठीक है, अब देखिए, अब 5th सेंचुरी में स्टैब्लिश हुई थी, कैसे याद करना है अपने को, जो शीला थी उसका बर्थ कब हुआ था, 5th, ठीक है, 5th सेंचुरी में, या यूँ कह लो कि 5th डेट को उसकी जो है शीला का बर्थडे आता है। ठीक है, अपन लोग ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या है, इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर ब्राह्मणिकल एजुकेशन, जो बुद्धिस्ट या जो कह लो आप ब्रह्मा से जो रिलेटेड था। ठीक है, क्योंकि जो बुद्धिस्ट लोग थे वो मूर्ति पूजन पे तो मानते नहीं थे, वो सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन, या वो ये कहते थे ठीक है भगवान है मगर हमें मतलब एक तरीके से ढोंग नहीं करना, वो इस चीज़ में विश्वास नहीं करते थे कि मूर्ति पूजन में। ठीक है, तो ब्रह्मा से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करने की बात करते थे या ब्रह्मा को पूजने की बात करते थे, तो वहाँ पर ये बात आती है कि ये डायरेक्ट सेंटर या इंटरनेशनल या कह लो ये एक इंपॉर्टेंट ऐसा सेंटर था किसी चीज़ का, ब्राह्मणिकल एजुकेशन का। ठीक है, ये है कहाँ पे, आज प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो प्रेजेंट में ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में कहाँ पे, रावलपिंडी। ठीक है, 20 मील्स इन दी वेस्ट ऑफ रावलपिंडी, तो रावलपिंडी पाकिस्तान में है एक जगह, वहाँ पे ये आज के टाइम पे प्रेजेंट है, पहले इंडिया में था, आज के टाइम पे ये जो है वो पाकिस्तान में प्रेजेंट है। ठीक है, फेमस फॉर मेडिकल स्टडीज़, ये इसलिए फेमस था क्योंकि यहाँ पे मेडिकल स्टडीज़ करवाई जाती थी, और जो सबसे टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे आपको मेडिकल स्टडीज़ मिल पाती थी वो थी तक्षशिला यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कैसे याद कर सकते हैं, जो शीला थी वो 5th डेट को वो जो है उसका बर्थ हुआ था, और वो किस चीज़ की स्टडी करती थी यूनिवर्सिटी में, मेडिकल की स्टडी। ठीक है, वो मेडिकल स्टडी करती थी। अब देखो, अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, यहाँ से आपको पूछ लेगा कि चाणक्य,
पाणिनि, चरखा और विष्णु, दिविजा, इस तरह के करके ना बहुत सारे स्कॉलर्स कह लीजिए आप, या बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग यहाँ से जो है वो निकले थे अपनी स्टडी करके। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों बन जाता है, जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे उठ के आता है कि जो है तक्षशिला यूनिवर्सिटी से कौन कौन से इनमें से जो है पर्सन निकले थे, या आपसे वो ये पूछ लेगा कि आप बताइए कि ये जो ये पर्सन है वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी से निकले थे या नालंदा से निकले थे, विक्रमशिला से निकले थे, कहाँ से निकले थे। तो ये चीज़ आपने को यहाँ पे याद करके रखनी है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे याद रहेगी अपने को। तो अब इस चीज़ को याद कैसे रखनी है अपने को, अब देखो यहाँ पे ये चीज़ें याद रखने का एक शॉर्ट और अच्छा ट्रिक है ये कि चाणक्य, अब आपको चाणक्य तो याद रहेगा, पहली बात चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है। ठीक है, चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है, और चाणक्य फेमस किस लिए था, अर्थशास्त्र के लिए। इसने चाणक्य ने क्या लिखी थी, अर्थशास्त्र। अच्छा, चाणक्य किस एम्पायर से रिलेटेड था, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो चाणक्य मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड था। ठीक है, मौर्यन एम्पायर या यू कह लीजिए आप चंद्रगुप्त मौर्यन या अशोका के टाइम पर चाणक्य जो था वो फेमस हुआ था बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसने क्या लिखी थी, अर्थशास्त्र लिखी थी। ठीक है, आज भी बहुत ज़्यादा मतलब इनको पढ़ा जाता है चाणक्य को, चाणक्य नीति जिसे कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो वो इन पे एक बुक भी है, इनकी खुद की एक बुक लिखी हुई है, इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं जो लोग आज भी पढ़ते हैं, तो एक वो अलग लेवल की चीज़ है। ठीक है, तो चाणक्य आपसे पूछ सकता है किस एम्परर में ये बिलोंग करता है, किस एम्परर से, वो चीज़। अब देखिए, अब चाणक्य पाणिनी, अब पाणिनी जो था, जो पाणिनी थे वो उन्होंने लिखी थी संस्कृत, उन्होंने संस्कृत के बारे में पूरा डिटेल में लिखा था। फिर था चरखा, अब चरख जो थे, चरख वैसे तो इनको चरख कहा जाता है क्योंकि मैंने आपने कल भी बताया था जब इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ये ए फालतू लग जाता है, बेफालतू आ जाता है, तो हमें बेफालतू की चीज़ नहीं, हमें प्रोनंसिएशन पर ही ध्यान रखना है। चरख इनका नाम जो था वो था चरख, जिन्होंने आयुर्वेद की बात करी थी। ठीक है, हम पढ़ते हैं ना आयुर्वेद, तो वो आयुर्वेद की बात जो करी थी वो करी थी इन्होंने, चरक ने। फिर आते हैं अपने कौन, विष्णु। अब विष्णु ने किया, आप लोगों ने बचपन में जरूर या तो पढ़ी होगी या किसी ना किसी के मुंह से ये वर्ड जरूर सुना होगा, पंचतंत्र। ठीक है, पंचतंत्र की कहानियां, तो जो विष्णु थे उन्होंने ही पंचतंत्र की कहानियां लिखी थी। ठीक है, अब जो ये चार पर्सन हैं, अब इनको हम याद कैसे रखें, तो याद करने की एक सिंपल इजी ट्रिक है, आप लोग इसको याद कर सकते हैं। देखो, चाणक्य, चाणक्य ने पानी पी के चरखा चलाते हुए विष्णु को याद किया। ठीक है, नॉर्मल है, एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, चाणक्य ने पानी पीते हुए जब चरखा चला रहा था तो उसको विष्णु याद आता था हमेशा। ठीक है, ठीक है, तो आप कैसे याद रख सकते हैं कि चाणक्य जो था, चाणक्य पानी पीता था और पानी पी के फिर वो चरखा चलाता, चरखा चलाते चलाते वो इतना ज़्यादा जो है वो मेडिटेट कर लेता था कि वो विष्णु तक पहुंच जाता था। ठीक है, तो इसको नॉर्मल याद सकते हैं कि चाणक्य पानी पीते हुए चरखा चलाता था और चरखा चलाते चलाते वो विष्णु को याद करता था, नॉर्मल सी ट्रिक है। ठीक है, अब शीला जो थी उसका फिफ्थ में तो एडमिशन, सॉरी फिफ्थ में तो वो बर्थ हुआ था उसका। ठीक है, अब फिफ्थ में जब वो उसका बर्थ हुआ, फिर उसके बाद वो जो है वो मेडिकल की स्टडी करने जाती थी। अब वो मेडिकल की स्टडी कब करने जाती थी, जब वो 16 साल की हुई। ठीक है, 16 साल की शीला हुई, जब शीला 16 साल की, देखो शीला 16, तो शीला जब 16 साल की हुई तब वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी में क्या करने जाती थी, मेडिकल की स्टडी करने जाती थी। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम पैटर्न कोई भी नहीं था, मैंने आप कल भी बात करी थी कि किसी भी वेद जो है आप बात की करेगा कि वैदिक एज में या बुद्धिस्ट एज में, तो वहाँ पे एग्ज़ाम सिस्टम कुछ भी नहीं था, स्पेशली तक्षशिला यूनिवर्सिटी में कोई भी एग्ज़ाम सिस्टम नहीं था। ठीक है, अब बात आती है इंटेलेक्चुअल कैपिटल है ये इंडिया की। ठीक है, ये इंटेलेक्चुअल कैपिटल है इंडिया की, इसको फाउंड किसने किया था, इसको फाउंड किया था प्रिंस 36। ठीक है, तो प्रिंस 36 ने इसे जो है वो फाउंड किया था। अब हुआ क्या था, उन्होंने जब इसको फाउंड किया तो इनका जो बेटा था उसका नाम था तक्ष। ठीक है, तो तक्ष जो है, तक्ष के नाम पे कि भाई ये जो है इस यूनिवर्सिटी पे या इस जगह पे ये राज करेगा। ठीक है, तो उसके नाम पे इसने अपने बेटे के नाम पे इसका जगह का नाम क्या रखा, तक्षशिला। ठीक है, तो तक्षशिला इसके वजह से पड़ा था कि प्रिंस जो एक राजा था, प्रिंस 36, इसका बेटा था तक्ष, तक्ष के नाम पर इसने तक्षशिला नाम रखा। ठीक है, अच्छा ये बात जो कही गई है वो अकॉर्डिंग टू वाल्मीकि रामायण, जो वाल्मीकि रामायण है, जो रामायण जो जिस वाल्मीकि ने लिखी थी, जो उसके उसमें इसका जिक्र है। ठीक है, तो तक्षशिला वो है। अच्छा, यहाँ पे तंत्र मंत्र की जो है वो आपको एजुकेशन भी दी जाती थी। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, इसको 1980 में जो है यूनेस्को ने इसे जो है वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया था। ठीक है, इसको वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा कब दिया था,
1980 में यूनेस्को, ठीक है, इसका एक पॉइंट याद कर लेना, क्वेश्चन आ सकता है कि यूनेस्को ने इसे कब दर्जा, ठीक है, तो कब दर्जा दिया था कि 1980 में यूनेस्को, ठीक है, UNESCO, यूनेस्को ने इसे 1980 में वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया था, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। इसको जो है वो अलेक्जेंडर थे, उन्होंने जो है इसको खोजा था, ठीक है, कब खोजा था इसको, 19th century में इसे खोजा था। ये जो दो तीन पॉइंट मैं एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ जो इस में नहीं है वो आप लिख लेना अपने जो नोट्स बना रहे हो। तो 19th century में इसे अलेक्जेंडर ने इसे खोजा था, क्या करने के लिए कि भी इसको ख़त्म कैसे किया गया, वो चीज़ यहाँ पे बात मतलब उसने वहाँ पे खोजा था, ठीक है, ये है ना अलेक्जेंडर। तो अलेक्जेंडर ने कब इसे खोजा था, 19th century में, ठीक है, 19th century में खोजा था कि भी इसको कैसे खत्म किया गया, और 1980 में इसको क्या है वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया था। अच्छा, अब इसमें ना एक बात आती है, वैसे छोटी सी है, कोई मच इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप सुन लीजिए कि अगेन जो ये फेमस हुआ था वो कनिष्का जो एक रिजाइन था, मतलब कि ये चाइना से ऐसे रिलेट करता है, रिजाइन का मतलब होता है शासन, तो जब ये शासन कनिष्का का जब शासन था चाइना से रिलेट करता है, उस टाइम पे दोबारा से जो यूनिवर्सिटी है वो फेमस हुई थी, ठीक है, और इसमें 68 सब्जेक्ट्स आप लोगों को पढ़ाए जाते थे, ठीक है। तो मोटा मोटा जो है आपके आपके पास यही चीज़ है एक, कि इसमें से ही आप लोगों को याद करना है, ठीक है। मैं एक बार इसको रब कर दूँ और मैं इंपॉर्टेंट बता दूँ कि इसमें से चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट कौन कौन सी हैं, ठीक है, ये लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसमें नॉर्मल चीज़ है कि वर्ल्ड की सबसे पहले बात तो वर्ल्ड की फर्स्ट यूनिवर्सिटी ये है, स्टैब्लिश कब, 5th century में हुआ था, ब्रह्मनिकल एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थी और सेंटर था इसका। अब प्रेजेंट में कहाँ है, पाकिस्तान में, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद मेडिकल स्टडीज़ के लिए फेमस था, नॉट मच रेलिवेंट, बट फिर भी कंसेप्ट को ध्यान रखना अपने माइंड में। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो यही बनता है कि चरक, पाणिनि, चाणक्य और विष्णु, तो ये जो चार बंदे थे, एक और आते हैं यहाँ पे दिविजा, तो दिविजा इतनी फेमस, सॉरी दिविका, दिविका इतनी फेमस नहीं थी, बट फिर भी जो है यहाँ पे चार पर्सन ही हैं जो अपने को क्वेश्चन पेपर के लिए जो है वो रेलेवेंट हैं, ठीक है। और 16th year में देखो यहाँ पे चीज़ें आएंगी, एक तो थी अपनी वैदिक एजुकेशन में, वैदिक एज में, उसके बाद थी अपनी ब्रह्मनिकल में, ठीक है, वहाँ पे 5 साल में एडमिशन ले सकते थे, फिर वहाँ पे 8 साल में, ठीक है, यहाँ पे 16 में। तो जो ये एडमिशन वाली डेट्स हैं वो थोड़ा सा याद करके रखना कि किस एज में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ है। तो 16th year में यहाँ पे एडमिशन ले सकते थे, कोई भी एग्जाम सिस्टम नहीं था, इंटेलेक्चुअल कैपिटल थी इंडिया की। प्रिंस 36 जो राजा था उसने इसे खोजा था, और किसके नेम पे रखा था, अपने बेटे तक्ष के नेम पे इसका नाम रखा गया था, ठीक है, और इसको 19th century में अलेक्जेंडर ने खोजा था, कैसे कि जानने के लिए किसने इसको ख़त्म किया, ठीक है। तो इस तरह से वो सारी चीज़ें हुई थी। अब बस इतनी ही चीज़ें, इसको अच्छे से याद करो, जो 3 जरूर पढ़ लोगे ना, यूँ नहीं रेगुलर नहीं पढ़ना, एक दिन पढ़ो, 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन दोबारा उठा लो, ठीक है, चौथे दिन दोबारा उठा लो, तो इस तरह क्या है, जब गैप दे देते पढ़ोगे ना तो आपको चीज़ वो याद रह जाएगी। अभी से पढ़ना शुरू करोगे एंड तक बहुत अच्छे तरीके से टिप्स पर रट जाएंगी चीज़ें, ठीक है। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू वेरी मच।